अबे आपके चैप्टर नंबर 12.2 पहला क्वेश्चन सत्य असत्य बताना है। एक वर्ग की ए बी व सी डी क्रमशः 3 सेमी एवं 4 सेमी माप की जीवाएं हैं। दो वर्त है, देखो ध्यान दो, पहले तो वर्त बनाओ। दो एक वर्त तो ये है और एक वर्त ये है, कोई दिक्कत नहीं है, दो बना लो। तुमको दो वर्त बना दिए, एक जीवा तो कितनी है, चार। एक तो है 3 की और एक कितनी की है, माना है इसकी तो ये 3 की है और इसकी कितनी है, 3 की तो छोटी होगी और 4 की बड़ी होगी। ये इसका क्या है, केंद्र है। ए बी व सी डी क्रमशः 3 सेमी 4 सेमी मार्ग की जीवाएं जिनके द्वारा केंद्र पर क्रमशः 70 डिग्री और 50 डिग्री के कोण निर्मित है। इस जीवा के द्वारा तो केंद्र में 70 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है और इस जीवा के द्वारा केंद्र पे 50 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है। ये तो है 3 की और ये कितने की है, बताओ कथन सत्य असत्य। देखो ये भुजा छोटी है तो इस पे कोण कितना बन रहा है, 70 का। ये भुजा बड़ी है तो कोण कितना बन रहा है, 50 का। देखो अगर भुजा बड़ी है तो कोण भी ज्यादा बनना चाहिए, बड़ा बनेगा। देखो ऊपर है कोण ज्यादा फैल रहा है कोण ज्यादा, यहाँ पे कोण बड़ा बनना चाहिए था जबकि इस पर कोण कैसा बनना चाहिए था, छोटा, उल्टा दे रखा है। इस पे तो 70 और इस पे कितना, 50। बताओ कथन कैसा है, असत्य। पहला क्वेश्चन कैसा हो जाएगा आपके, असत्य। जितनी बड़ी जीवा होगी उतना ही बड़ा क्या बनेगा, कोण। अभी मैं बीच में ले जाओ जीवा को, कितने का कोण बन जाएगा, 180 का। अर्धवृत्त बन जाएगा 180 का। तो जितना बड़ा कोण होगा, जितनी बड़ी जीवा होगी उतना ही बड़ा क्या होगा, कोण। पहला कथन कैसा हो जाएगा आपके, असत्य। अगर मान लो ये 70 यहाँ दे देता, 50 यहाँ दे देता, तब ये कथन क्या होता, सत्य। नंबर दो, एक वृत्त की जीवाएं जिनकी लंबाई 10 सेमी और 8 सेमी है वही वृत्त बनाने, दो जीवाएं दे रखे, दो वृत्त बनाए, एक भी बना सकते, एक में भी आ जाएगा। एक वर्त तो ये और एक वर्त ये, दो वर्त है इनकी जीवाएं। एक की जीवा तो 10 सेमी है, ये इसकी जीवा तो है 10 सेमी और इसकी 8 है। अब 8 है छोटी होगी 8 वाली, ये इसकी 8 सेमी है, 8 सेमी। अब कह रहा है केंद्र से क्रमशः 8 सेमी और 5 सेमी की दूरी पर है, ये इसका केंद्र है। ये तो केंद्र से कितनी दूरी पर है, ये तो केंद्र से 8 सेमी की दूरी पर है और ये केंद्र से कितनी दूरी पर है, ये केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर है। बताओ कथन सत्य असत्य, असत्य। देखो ये जीवा बड़ी है और इसकी दूरी क्या दे रखी है, बड़ी दे रखी है 8 सेमी। जीवा छोटी है, दूरी क्या दे रखी है, बड़ी। अगर जीवा छोटी है तो दूरी ज्यादा आएगी, अगर जीवा बड़ी है तो दूरी क्या आएगी, कम आएगी। तो यहाँ दूरी क्या दे रखी है, ज्यादा, और यहाँ दूरी क्या दे रखी है। अगर मान लो ये 5 यहाँ होता और ये 8 यहाँ होता तब तो ये कथन कैसा होता, लेकिन इसने 8 यहाँ दे रखा है और 5 यहाँ दे रखा है, कथन कैसा है, असत्य। अगर जीवा देखो बड़ी हो रही है गैप कम रहेगा, जीवा छोटी है गैप क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। बताओ कथन कैसा है आपके, असत्य। नंबर 3, एक वर्ग की दो जीवाएं ए बी व सी डी में से प्रत्येक केंद्र से 4 सेमी की दूरी पर हैं, तब ए बी बराबर सी डी है। बताओ सत्य सत्य, पहले वर्त बना लो, ये एक वर्त बनाया और ये एक दूसरा वर्त बनाया। इसमें कहा है वर्त की दो जीवाएं, एक का नाम तो ए बी है और एक का नाम सी डी है। ये एक जीवा, इसका नाम क्या है, ए बी, और ये दूसरी जीवा, इसका नाम क्या है, सी। ये भी केंद्र से कितनी दूरी पर है, 4, और ये भी केंद्र से कितनी दूरी पर है, 4, ये भी केंद्र से 4 की दूरी और इस पर भी केंद्र से 4। तो बताओ दोनों जीवाएं बराबर होगी क्या, ए बी बराबर सी डी होगी। अब ए बी सिद्ध किया था, आखिर प्रमेय नंबर कौन सी, 12.7 अभी सिद्ध किया, केंद्र से दूरी बराबर है तो जीवाएं कैसी होती है, ऐसे इधर बना दिया ना एक जीवा, अगर ये दूरी और ये दूरी बराबर तो दोनों जीवाएं कैसी होगी, अतः ए बी बराबर क्या होगा, कथन कैसा है,
कथन हो जाएगा आपके अगर दूरी बराबर तो जीवाएं बराबर तो उल्टा कहता अगर जीवाएं बराबर तो केंद्र से दूरी क्या होती है बराबर। अगला क्वेश्चन नंबर चार ओ और ओ डैश केंद्रों वाले दो सर्वांग समवृत्त ए और बी बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करते हैं दो वृत्तें दो वृत्त सर्वांग सम है दोनों एक वृत्त तो ये है और दूसरा जैसा ये सेम है दूसरा सेम फोटोकॉपी का जैसा ये वैसा ही है दो सर्वांग समवृत्त है इसका केंद्र तो है ओ और इसका केंद्र है ओ डैश। अब ये कह रहा है ओ डैश ए दो सर्वांग समवृत्त ए और बी दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करते हैं यह मान लो एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है ये दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करते हैं ऐसे ऐसे और ये वाले भी क्या करते हैं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करते हैं यहाँ ए है और यहाँ क्या है बी ऐसे और ऐसे दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करते हैं तब कोण ए ओ बी ए ओ बी ये वाला कोण और ए ओ डैश बी ये वाला कोण ये दोनों बराबर होंगे क्या सर्वांग सम है मतलब बुझाए सबके सब क्या है बराबर है तो कोण भी कैसे होंगे ये वाली इसके बराबर क्यों है क्योंकि वर्त की क्या है त्रिज्या है ये वाली इसके बराबर वर्त की क्या है और ये दोनों जीवा है बराबर है तो इसके कोण भी क्या होंगे बराबर तो कथन कैसा है सत्य कथन कैसा हो जाएगा आपके सत्य। अगला तीन संरेख बिंदुओं से होकर एक वर्त खींचा जाएगा तीन संरेख बिंदुओं से एक वर्त खींचा जाएगा क्या तीन संरेख एक ही रेखा पर एक यहाँ और एक यहाँ बताओ इनसे वर्त खींचा जा सकता है क्या ये बनाओ वर्त बना के देखो केवल कितने बिंदु आएंगे दो ही बिंदु आएंगे तीन संरेख बिंदुओं से कोई वर्त नहीं खींचा जा सकता केवल कितने बिंदुओं से खींचा जा सकता है बताओ कथन कैसा है असत्य। अगला दो बिंदुओं ए और बी से होकर चार सेमी त्रिज्या का वर्त खींचा जा सकता है यदि ए बी आठ सेमी हो दो बिंदु है देखो दो बिंदु है ए का नाम तो ए है और ए का नाम बी है और इन दोनों बिंदुओं की दूरी कितनी है आठ पूरी दूरी कितनी है आठ तो बताओ इससे चार का वर्त खींचा जा सकता है क्या आठ का आधा कितना चार यहाँ प्रकार रखोगे और ऐसे वर्त बनाओगे ऐसे वर्त बनेगा बताओ सही है क्या बात सही है ये चार को इसकी त्रिज्या और डबल क्या हो गया व्यास व्यास भी काम आ गया और त्रिज्या भी काम आ गई अगर आठ सेमी की लाइन है उस लाइन पर कितने सेमी का वर्त खींचेगा चार सेंटीमीटर का क्योंकि पूरा तो व्यास हो जाएगा और उसकी आधी क्या हो जाएगी त्रिज्या बताओ कथन कैसा है कथन हो जाएगा आपके सत्य। तो इसका सेकंड दूसरा सवाल ध्यान दो इधर यदि वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है वृत्त की त्रिज्या कितनी है 13 सेंटीमीटर पहले तो वृत्त बनाना है ये आपके कोई भी वृत्त है ठीक है वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई इसकी जीवा की लंबाई इसकी जीवा जीवा लिखा हुआ है इसकी जीवा की लंबाई कितनी है 10 पहले तो ये वृत्त का है केंद्र पहले जीवा बनाओ 10 सेंटीमीटर की ये बना दी जीवा जीवा की लंबाई कितनी है ये हो जाएगी 10 सेंटीमीटर इस जीवा की वर्त से दूरी ज्ञात करो वर्त के केंद्र से ये जीवा है वर्त का केंद्र कहाँ है ये रहा इस जीवा की वर्त के केंद्र से दूरी ये वाली जीवा की वर्त के केंद्र से दूरी हमें करनी है ज्ञात। अब देखो त्रिज्या दे रखी है आपके यहाँ समकोण त्रिभुज बनेगा और समकोण त्रिभुज में जीवा को माना है कर्ण क्या मानना पड़ेगा यहाँ से ये हो जाएगी त्रिज्या हो गई त्रिज्या हो गई कितनी है 13 हमेशा जब भी त्रिज्या दे तो आप उसको क्या माना है कर्ण माना है समकोण त्रिभुज बनेगा क्योंकि ये जीवा से केंद्र से जब हम जीवा पर लाइन लेते हैं तो कितने डिग्री कोण बनाता है और साथ ही सामने वाली भुजा कितने भागों में बांटता है दो भागों में बांटता है मतलब ये पूरी लाइन कितनी है पूरी लाइन कितनी है 10 तो आधी कितनी हो जाएगी 5 पूरी 10 है तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक आधी है कितनी हो जाएगी 5 ये पूरी तो आपके 10 सेंटीमीटर थी
लेकिन यहाँ से लगाकर यहाँ तक आधी कितनी हो जाएगी? क्यों होगी? क्योंकि केंद्र से आने वाली लाइन जीवा को कितने बराबर भागों में बांटती है? दो बराबर भागों में बांटती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आता है ऐसा क्वेश्चन, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले नाम दे दो, ए बी सी, यहाँ तो हो जाएगा केंद्र ओ, और यहाँ नाम दे दो सी। हमें लेना ये वाला त्रिभुज, क्या नाम है? त्रिभुज ए ओ सी। पहले देखो, पहले ये ए बी पूरी कितनी, ए बी बराबर कितनी? 10 सेंटीमीटर। जीवा है, ए बी 10 है, तो एसी कितनी हो जाएगी? एसी हो जाएगी 10/2। एस बराबर कितनी? 5। ऐसा क्यों होगा? क्या लिखोगे? प्रमेय कौन सी है वो आपके? 12.3 है 4 है 12 पॉइंट। देखो देखो, प्रमेय नंबर है आपके 12.3। 12.3 ही होनी चाहिए, पर 12.4 होगी। तो हो गया, अगर ऐसा प्रमेय याद नहीं रखती है तो क्या लिखोगे? केंद्र से आने वाली लाइन जीवा को कितने बराबर भागों में बांटती है? दो बराबर भागों में। 12.3 ही है, प्रमेय नंबर 12.3। ऐसी ये कितनी आ गई? 5। अब लो त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ सी से अब वही लगाएंगे। इसमें कौन सी समकोण त्रिभुज बन रहा है? कोसाइन प्रमेय, पाइथागोरियस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। कर्ण कौन है? एओ, ये वाला कर्ण। क्या लिखोगे? एओ का स्क्वायर बराबर, लंब क्या है? ओसी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? एसी का स्क्वायर। ओए कितना है? 13 का स्क्वायर। ओसी हमें ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात, जीवा की दूरी ज्ञात करनी केंद्र से। ओसी स्क्वायर प्लस एसी कितनी है? 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 बराबर, ओसी करनी है हमें ज्ञात। ओसी का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना? 25। 25 को इधर लाओ 169 की तरफ, 169 माइनस 25 बराबर क्या आ जाएगा? ओसी स्क्वायर। 169 में 25 घटाओ, 144 बराबर क्या आ जाएगा? ओसी स्क्वायर को इधर भेज दो, अंडर रूट में आ जाएगा। 144 बराबर क्या आ जाएगी? ओसी। ओसी का मान कितना आ गया? अंडर रूट निकालो 144 का, तो इसकी दूरी कितनी आ गई आपके? 12 सेंटीमीटर। सवाल नंबर है इसका तीसरा वाला, 3। एक वर्त की दो जीवाएं, एक वर्त है उसमें कितनी जीवाएं हैं? दो। पहले वर्त बनाओ, पहले तो बनाना पड़ेगा वर्त। ये वर्त का क्या है? केंद्र। एक वर्त की दो जीवाएं एबी व सीडी, जिनकी लंबाई 6 सेमी और 12 सेमी है, एक दूसरे के समांतर है, दोनों कैसी है? समांतर, तथा केंद्र के एक ही ओर स्थित है, केंद्र के एक ही ओर है, एक ही साइड, मतलब या तो इधर है दोनों, या दोनों उधर है, या इधर है या इधर है, एक तरफ है। ए का तो नाम क्या है? ए बी। ये ए का तो नाम हो जाएगा ए बी। ए बी छोटी है बड़ी है? ए बी कितनी है? 6 सेमी, मतलब छोटी है। तो ये हो जाएगी ए बी कितनी सेमी? 6 सेमी। और दूसरी है सी डी, बड़ी है ऊपर बनेगी, ये दूसरी हो जाएगी, क्या नाम है इसका? सी डी। ये कितनी लंबी है आपके? 12 सेंटीमीटर है पूरी। आ गया, आगे कहा है सवाल ने, तथा ये दोनों कैसी है? समांतर। ये दोनों समांतर है, मतलब आगे बढ़ाओगे तो कभी भी नहीं मिलेगी। एक ही ओर स्थित तथा एबी व सीडी के बीच की दूरी, एबी और सीडी के बीच की दूरी, ये एबी और सीडी, एबी और सीडी इनके बीच की दूरी कितनी है आपके? 3 सेंटीमीटर। तो वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करनी है? वर्त की त्रिज्या। अब मैंने बताया था वर्त की त्रिज्या को आपको समकोण त्रिभुज का क्या मानना है? कर्ण मानना है। तो यहाँ केंद्र से डाल दो इस इन पर लंब, ये केंद्र से लंब आ गया। केंद्र से लंब क्या करता है, काम क्या काम करता है? यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाता है और दोनों को बराबर भागों में बांटता है, और ये हो जाएगी इसकी त्रिज्या, और ये दो छोटा वाला बन रहा है त्रिभुज यहाँ पर, ये भी हो जाएगी इसकी त्रिज्या। क्योंकि दो जीवाएं हैं तो कितने त्रिभुज बनेंगे? दो त्रिभुज बनेंगे। एक तो ये बनेगा छोटा, सॉरी यहाँ से नहीं लेनी है, हमेशा केंद्र से आती है, ये वाली यहाँ हो जाएगी, ठीक है ना? तो ये भी त्रिज्या और ये भी क्या है आपके? त्रिज्या। और त्रिज्या हमेशा कैसी होती है वर्त में? बराबर। हमें ज्ञात करनी है त्रिज्या,
माना कि त्रिज्या क्या है x, तो ये त्रिज्या भी क्या हो जाएगी आपके x, हो गया। अब दो त्रिभुज बन रहे हैं, देखो ये पूरी लाइन कितनी थी 12, तो आधी कितनी हो जाएगी 6, ये पूरी लाइन कितनी है आधी कितनी हो जाएगी 3। पहले ये चीज कर लो, क्या नाम है एबी का पूरा मान कितना 6, एबी पूरी 6, यहाँ देखो कोई नाम नहीं, यहाँ तो हो जाएगा ए बी सी डी, यहाँ ई दे दो, और यहाँ तो देने की जरूरत ही नहीं है, ई दे दिया, यहाँ कोई दे दो एफ दे दो, बस नाम दे दो। तो देखो ए बी पूरी 6, हमें कौन सी चाहिए ए ई, तो ए ई क्या हो जाएगी बताओ 6 बट्टा कितना, ऐसा क्यों होगा कौन सी परमेय नंबर 12.3, क्या ऐसा लिख सकते हो बताया कारण, केंद्र से आने वाली लाइन जीवाओं कितने भागों में बांटती है दो भागों में। दूसरी ये पूरी सीडी कितनी है, सीडी कितनी है 12 सेमी, हमें कौन सी चाहिए सीएफ, तो सीएफ कितनी हो जाएगी बताओ 12/2, कितनी हो जाएगी 6 सेमी, ऐसा क्यों होगा परमेय नंबर 12.3, हो गया। अब ध्यान से देखना, इधर दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो बन रहा है ये ऊपर ऊपर वाली जीवा पर, और एक बन रहा है ये नीचे वाली जीवा पर। देखो सबसे पहले ये ले लो ऊपर वाला, क्या नाम है ओ सी एफ या सी ओ एफ, क्या नाम लिखोगे त्रिभुज सी ओ एफ से, समकोण त्रिभुज है वही नियम लगेगा, कौन सा पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण क्या है आपके ओ सी, ओसी का क्या आ जाएगा स्क्वायर बराबर लंब ये रहा ओएफ, क्या है आपके ओएफ का स्क्वायर प्लस आधार क्या है सीएफ, सीएफ का स्क्वायर, बोधायन प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय नियम लगता है, ओसी कितना है एक्स माना, तो यहाँ क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर बराबर ओएफ, ये यहाँ से यहाँ ओएफ कुछ नहीं है, कोई नाम दे दो वाई मान लो, वाई दे दो क्या क्या जाएगा y का स्क्वायर प्लस सी एफ, सी एफ ये कितनी है तो क्या आ जाएगी 6 का स्क्वायर, x स्क्वायर बराबर y स्क्वायर प्लस 6 36, इसे मान लो समीकरण नंबर a। अब लेना है दूसरा त्रिभुज जो छोटी जीवा पर बन रहा है, क्या नाम है ए ओ ई, क्या लिखोगे त्रिभुज ए ओ ई से, ये भी कौन सा त्रिभुज है समकोण, वही नियम लगेगा, कर्ण बताओ कर्ण क्या है ये रहा एओ, क्या आ जाएगा एओ का स्क्वायर बराबर लंब क्या है पूरा ओई, ओई का स्क्वायर प्लस ये क्या आ जाएगी ए का स्क्वायर, एओ कितना है वही त्रिज्या है एक्स ही है, क्या लिखेंगे एक्स का स्क्वायर, ओई ये पूरी यहां से लगाकर यहां तक, देखो ये तो 3 और ये y पूरी कितनी हो जाएगी y प्लस 3, याद तो 3 दे रखी है सवाल में, और ये हमने कितनी मानी y पूरी को जोड़ो 3 प्लस या y प्लस 3 और इसके ऊपर स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर प्लस ae कितनी है 3 का स्क्वायर। अब ये देखो सूत्र लगेगा यहाँ, कौन सी सर्वसम्मी का a प्लस b का बोलो, उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा में आता है, ध्यान से समझना है a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे खुलती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसको खोलेंगे। अब देखो x स्क्वायर एग्जिट a स्क्वायर का मतलब किसका स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2 a का मतलब b का मतलब 3 इनटू लगाने के बीच में प्लस प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये तो इससे खुल गया, अब 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। अब x स्क्वायर बराबर y स्क्वायर प्लस 3 9 9 कितने हो गए 18 हो गए ना, और ये 3 दूनी ये तो हो गया 6y, और ये 9 9 कितने हो गए 18, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हमें किसका मान चाहिए x का, क्या करना है यहाँ से ये मान उठा के यहाँ रखना है, देखो या तो x का मान निकाल लो, हमें x का मान चाहिए ना तो y का मान यहाँ रखना पड़ेगा, तो देखो क्या करना है आपको पहले x का मान, देखो ये ऐसा कर लो ये x स्क्वायर और ये भी x, आगे के दोनों बराबर तो
पीछे के दोनों भी क्या होंगे? क्या लिखोगे? समीकरण नंबर एक व दो से आगे भी एक्स स्क्वायर और ये भी आगे के दोनों बराबर, तो पीछे के दोनों भी क्या हो जाएंगे? बराबर। क्या नाम है? वाई स्क्वायर प्लस 36 बराबर, ये वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस के 18। अब देखो इधर भी वाई स्क्वायर और इधर भी वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, इधर 36 बचा 18 को इधर लिया, 36 का तो 36 18 इधर आते किसमें जाएगा, उधर क्या बचा 6y, 18 में 36 घटाओ कितना बच गया 18 बराबर कितना, मान किसका चाहिए गुणा है तो y बराबर 18 बटा कितना जाएगा बार दो कितनी बार, y का मान कितना है, लेकिन हमें y का मान नहीं चाहिए, हमें किसका मान चाहिए y का मान, यार क्या लिखोगे इधर कर देते हैं, क्या लिखोगे y का मान समीकरण का रखने पर एक में रखने पर एक एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस वाई का कितना तीन का क्या जाएगा प्लस तीन का स्क्वायर प्लस कितना है 36, क्या बराबर है बराबर ठीक है, और एक्स स्क्वायर तीन का स्क्वायर कितना 9, तीन किया 9 नौ 36 कितने हो गए 45, दोनों कितने हो गए, हमें किसका मान चाहिए स्क्वायर को उधर भेज दो, एक्स बराबर अंडर रूट कितना 45, और इसको कैसे लिख सकते हैं, पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है क्या, नहीं निकलता, 45 को कैसे लिख सकते हैं 9 इंटू 5 9 पंजो 9 का वर्गमूल कितना, तो कितना आ जाएगा 3 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर।